नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। ये लगभग आपका 15 दिनों का होगा। लास्ट टाइम हमने आई थिंक 28 अप्रैल तक के नेशनल करंट अफेयर का एनालिसिस किया था। आज के इस वीडियो में 29 अप्रैल से लेकर आज तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इन सब का हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारी मैगजीन आया करती थी मंथली, वो हार्ड कॉपी अभी प्रेजेंट टाइम पर मार्केट में तो अवेलेबल हो नहीं सकता लॉकडाउन की वजह से। आप इसका चाहें तो सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जून मंथ का ये एडिशन अभी हाल ही में आया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके घर से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो प्रेजेंट टाइम पर दो कोर्स हमारे पास आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक है हमारा मोबाइल कोर्स और एक है हमारा हाल ही में आया ऑडियो कोर्स। दोनों के माध्यम से आप घर में बैठकर छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर कर सकते हो। दोनों का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी अवेलेबल है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें, वहां से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो देश के नाम संबोधन जारी किया गया, उस संबोधन में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जिस प्रकार से पूरी दुनिया का हालात बना हुआ है, जिस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए, वापस से रफ्तार में लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक कैंपेन शुरू किया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह अभियान होगा 20 लाख करोड़ रुपए का। एक आर्थिक पैकेज है जो अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए अनाउंस किया गया है। और यह जो 20 लाख करोड़ रुपए होगा, हमारी जितनी भी जीडीपी है उस जीडीपी का लगभग 10% होगा। अगर हम अदर स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर अपनी जीडीपी का खर्च कोई कर रहा है तो वो जापान कर रहा है। जापान अपनी जीडीपी का लगभग 21% जो है वो खर्च कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। यूएसए का अगर हम बात करें तो ये लगभग अपनी जीडीपी का 13% खर्च कर रहा है। अगर वहीं हम इसके बाद स्वीडन की देखें तो स्वीडन जो है अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 12% खर्च कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी लगभग 10.7% अपनी जीडीपी का खर्च कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए। इसके बाद पांचवें नंबर पर भारत आ जाता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था का 10% यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था के जीडीपी का 10% जो है वो कोरोना संक्रमण से लड़ने में खर्च करेगी। ठीक है, और ये सब किन सेक्टर के लिए होगा? एमएसएमई सेक्टर के लिए होगा। कहने का मतलब है कि जो मार्केट की डिमांड है वो बनी रहे, उस पर काम किया जाएगा इन पैसों के जरिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बताऊं तो इस आत्मनिर्भर कैंपेन को चलाने के लिए 5 पिलर की आवश्यकता होगी। यानी कि यह पूरा कैंपेन जो है 5 पिलर पर डिपेंडेंट होगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये 5 पिलर कौन कौन सा होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप इसका मेंस में वैल्यू एडिशन कर सकें, या फिर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार से प्रयास किए। अगर आपसे इस तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी तरीके से सुन लीजिए, ये 5 पिलर कौन कौन से हैं। पहला पिलर है आपका इकोनॉमी, दूसरा पिलर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर है आपका सिस्टम, इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आ सकता है वैल्यू एडिशन में। तीसरा क्या हो गया? सिस्टम। और चौथा क्या हो गया? डेमोग्राफी। और पांचवा आपका हो गया डिमांड। इस 5 पिलर पे ये कैंपेन पूरा चलेगा, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो नए संसद भवन से संबंधित है। अच्छा, शुरू करने से पहले आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि नेशनल करेंट अफेयर जो है वो सफिशियंट नहीं हो पाता? तो जिस प्रकार से आप लोगों का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर पर सपोर्ट मिलता है, उस प्रकार से नेशनल करेंट अफेयर पर सपोर्ट नहीं मिल पाता। देखिए, आपका जो छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं और उसके जो सिलेबस हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से नेशनल करेंट अफेयर यहाँ सफिशियंट एनालिसिस किया जाता है। अगर आप हमारा ये नेशनल करेंट अफेयर का वीडियोज़ या फिर मैगजीन को फॉलो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ आ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे नेशनल लेवल पर होते हैं, उसके लिए भी नेशनल करेंट अफेयर हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको यहाँ से सारे नेशनल करेंट अफेयर के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। जो अगर छत्तीसगढ़ के बाहर भी चले जाएँ तो अदर स्टेट्स के जो हो गए या फिर नेशनल लेवल पे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग प्रॉपर हमें नेशनल करंट अफेयर में भी सपोर्ट करें,
लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर और आने वाले समय में अदर स्टेट्स के भी करंट अफेयर, अगर आप वहाँ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी भी आप अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो नेशनल करंट अफेयर पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। किस तरह से मेंस में पूछा जाता है, किस तरह से प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आप यहां से प्रॉपर करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे नए संसद भवन की। प्रस्ताव जो है उसका मंजूरी दे दिया गया किसकी तरफ से, सेंट्रल विस्टा कमेटी की तरफ से। ये 922 करोड़ रुपए की लागत से जो संसद नया संसद भवन बनने वाला है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। और सिर्फ सेंट्रल विस्टा कमेटी की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं मिली है, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से भी इसका अप्रूवल दे दिया गया है। सेंट्रल विस्टा है क्या? सेंट्रल विस्टा है क्या, जो आप संसद भवन देखते हो, जो राष्ट्रपति भवन देखते हो, जो इंडिया गेट देखते हो, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जहां पर आपका गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, सब जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं भारत सरकार के, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? सेंट्रल विस्टा कहलाता है। और इसका एक प्रपोजल है, जो पूरा आपका सेंट्रल विस्टा वाला एरिया है इसको पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जाना है, और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको 2022 तक कंप्लीट किया जाना है। 20,000 करोड़ रुपए की मदद से चाहे आपका ये पूरा नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, आपका नया संसद भवन हो गया, आपका पूरा इस एरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, तो इस पर टोटल 20,000 रुपए खर्च होने हैं। तो याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में और इस पर किस प्रकार से खर्च किए जाने हैं, इसका लक्ष्य कब तक पूरा होना है, 2022 तक। और नए संसद के भवन के निर्माण के लिए भी सेंट्रल विस्टा की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, जो कि लगभग 922 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर से रिलेटेड। आपको पता है कि भारत में या फिर पूरी दुनिया में कह लें सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है सुंदरबन में। ये हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल के साउथ में स्थित है और इसका मैक्सिमम भाग जो है आपका बांग्लादेश में स्थित है। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार एक अनुमान लगाया है कि जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है वो जो सुंदरबन में है उसकी संख्या 2019 और 20 में 88 हुआ करता था, जो बढ़कर अभी प्रेजेंट टाइम पर 96 हो गया है। 96 अगर इसकी संख्या बढ़ी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि IUCN के अकॉर्डिंग रॉयल बंगाल टाइगर को जो है वो लुप्त प्राय प्रजातियों में रखा गया है, और अगर इसकी संख्या बढ़ रही है तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, एक तो आपको ये याद रखना है कि रॉयल बंगाल टाइगर का जो संख्या 88 हुआ करता था वो बढ़कर अब 96 हो गया है। इसके अलावा IUCN के अकॉर्डिंग रॉयल बंगाल टाइगर को लुप्त प्राय प्रजातियों में की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर जो है सबसे ज़्यादा सुंदरबन में ही पाया जाता है। सुंदरबन से रिलेटेड यहाँ पर अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ तो सुंदरबन का जो एरिया है वो लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। हालांकि अगर आप देखोगे तो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया है आपका सुंदरबन, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो समुद्र या फिर दलदली क्षेत्र में डूबा हुआ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना था 1973 में, वन्य जीव अभ्यारण बना था यानी कि सेंचुरी बना था आपका 1977 में, और ये नेशनल पार्क आपका 1984 में बना। इसके अलावा इसको यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया, ये आपका 1987 में दिया गया। सुंदरबन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सब ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका सुंदरबन बना ये आपका 1989 में बना, इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अलावा अगर आप सुंदरबन का लोकेशन देखना चाहते हो तो भी आप यहाँ से देख लो, ये आपका एरिया आ जाता है पश्चिम बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल, और ये एरिया आपका आ जाता है बांग्लादेश। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये वाला एरिया जो सुंदरबन का है वो इंडिया में है और ये जो मैक्सिमम पार्ट इसका है ये आपका बांग्लादेश में है। मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, इन्हीं का सब बेसिन है और इन्हीं की वजह से ये जो सुंदरबन है आपका पूरा डेवलप हुआ है। सबसे ज़्यादा जो सदाबहार जिसको वन हम बोलते हैं, मैंग्रोव वन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका सुंदरबन में ही पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग सुंदरबन के बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में जो इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं यानी कि जो यूजर्स हैं उनकी संख्या
503 मिलियन तक पहुंच गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन एरिया के कंपैरिजन में रूरल एरिया में इंटरनेट यूज़र की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसमें अगर आप देखोगे तो इस 503 मिलियन में से 227 मिलियन जो यूज़र हैं आपका रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अर्बन एरिया में अगर आप देखोगे तो यही संख्या आपका 205 मिलियन यूज़र का है। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरनेट से रिलेटेड या डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनका जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हो, या फिर रूरल एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वहाँ पर अगर, या ग्रामीण विकास से रिलेटेड अगर आप मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये वाला डेटा आपका वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा कर सकता है। तो इन डेटा का आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्बन एरिया से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंटरनेट यूज़र का वो आपका 227 मिलियन के साथ रूरल एरिया अर्बन एरिया से कहीं ज़्यादा आगे है। कुछ और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसी रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप देखोगे तो चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है इंटरनेट का पूरे वर्ल्ड में। चाइना सबसे आगे है, इंडिया सेकेंड नंबर पर आ जाता है। अगर पॉपुलेशन वाइज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो चीन की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 61% उसका जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूज़ करता है। अमेरिका का अगर यही नंबर हम देखें तो 88% अमेरिका के लोग जो है उनकी टोटल पॉपुलेशन का वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और इंडिया में जो ये परसेंटेज है 40% है, यानी कि 40% इंडिया के लोग जो है पूरी पॉपुलेशन का वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसको स्टेट वाइज इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में इंटरनेट का उपयोगकर्ता राज्य है वो आपका दिल्ली आ जाता है, उसके बाद केरल का नंबर आ जाता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर ग्राफ के जरिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में आजकल इंटरनेट यूज़ हो रहा है, अर्बन एरिया में 205 मिलियन के आसपास यह आंकड़ा है। 71 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 11 वर्ष तक है और वो अपने फैमिली के जो भी अडल्ट हैं उनके घर में उनका मोबाइल यूज़ करते हैं, उनका इंटरनेट यूज़ करते हैं। हालांकि उनके पास में फ़ोन नहीं है लेकिन वो अपने फैमिली का यूज़ करते हैं। ऐसे 71 मिलियन ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 11 वर्ष है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये डेटा तो मैंने बता ही दिया, इंडिया में टोटल जो यूज़र है मोबाइल यूज़र के 503 मिलियन और चाइना में 850 मिलियन। अगर आप जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो 65% जो मोबाइल यूज़र हैं वो आपके मेल हैं और 35% जो मोबाइल यूज़र हैं वो आपके फीमेल हैं। अगर अर्बन एरिया में आप देखोगे तो 60% मेल, 40% फीमेल, और रूरल एरिया में देखोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मेल 69% और फीमेल जो है वो आपके 31%। एज वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा करते हैं और कौन सी उम्र के लोग कम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप जब मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर इसका वैल्यू एडिशन जरूर कीजिएगा। चाहे आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास या शहरी विकास या शहरी अर्थव्यवस्था, या फिर महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड, या फिर डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये सारे डेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज स्कीम, यानी कि आप इसे कह सकते हो प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना। इस योजना के अनुसार जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, जो साइंस के क्षेत्र वाले छात्र होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्हें प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से इस स्कीम को शुरू किया गया था। लेकिन अब इस स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, इस बदलाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस स्कीम में समझ लीजिए कि इस स्कीम के अंदर अगर कोई छात्र रिसर्च करना चाहता है तो वो दो तरीके से इसमें एंट्री ले सकता है। और इस स्कीम को एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, चलाया जाता है HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो एक तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकता है। डायरेक्ट एंट्री कहने का मतलब है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, अगर आपका CGPA जो है 8 पॉइंट के आसपास हो तो आप डायरेक्ट एंट्री चैनल के तहत आप रिसर्च कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको एक फेलोशिप देगी, यानी कि आप गवर्नमेंट आपको प्रमोट करेगी और इनवाइट करेगी रिसर्च करने के लिए। एक है लेटरल एंट्री चैनल। लेटरल एंट्री चैनल का मतलब है कि जो बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, 12-13 साल से उनका रिसर्च का काम है, तो उनको लेटरल एंट्री दिया जा सकता है इस स्कीम में और वो भी यहाँ आकर अपना रिसर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनको प्रॉपर प्रमोट करती है इस स्कीम के तहत। इस स्कीम की जो शुरुआत है वो आपका किया गया था 2018 और 2019 में, ज़्यादा से ज़्यादा देश में रिसर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी खुद की हो, तो इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था।
अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा इसमें इस बार जो बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है, वो आपका एलिजिबिलिटी में हुआ है। सबसे पहले क्या था, पहले क्या था कि अगर आप IIT में पढ़ते हो, अगर आप IIIT में पढ़ते हो, अगर आप IISc बैंगलोर में पढ़ते हो, तो इन संस्थानों के जरिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। इसके अलावा अगर आपका जो गेट का पेपर होता है, गेट के पेपर में पहले आपको 750 का मार्क्स स्कोर करना होता था, लेकिन इस संशोधन के बाद अब यहाँ पर आप 650 भी स्कोर कर सकते हो, तो आप इस स्कीम के तहत में रिसर्च करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अब यहाँ पर NITs को भी शामिल किया गया है। अगर वो NITs टॉप 25 NITs में आता है, तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पहले तो ये सब सारे थे NITs, कुछ NITs पहले भी थे, लेकिन अब टॉप 25 NITs को शामिल कर दिया गया। इसके अलावा जो भारत सरकार की तरफ से जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी रिसर्च कर सकते हैं, अगर ये सारे एलिजिबिलिटी को वो फुलफ़िल करते हैं तो। तो याद रखिएगा, ये स्कीम जो है बहुत रिसर्च के क्षेत्र में, खासकर जो साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही मस्ट स्कीम है, अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं तो। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीज़न नाम से एक डिपार्टमेंट भी अलग से बनाया जा रहा है, और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में होगा, HRD मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, चलिए इस स्कीम के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो नर्सिंग यानी कि नर्सेस के रिपोर्ट के आधार पर है। ये रिपोर्ट ये बताता है कि पूरी दुनिया में नर्सों की स्थिति किस प्रकार से है इस समय, तो इसको देख लेते हैं। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि भारत की स्थिति या फिर भारत के नंबर्स जो हैं, भारत में नर्सों की स्थिति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ में नर्सिंग एंड कैंपेन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, और द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ये भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इस तीन एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। क्या कहता है ये रिपोर्ट, अगर आप देखोगे पूरी दुनिया की, अगर मैं आपको स्थिति बताऊं, तो प्रत्येक 10,000 लोगों पर लगभग 37 नर्स आपके पूरी दुनिया में है। अमेरिका में अगर बात करोगे तो 10,000 लोगों पे यहाँ पर 83.4 नर्सेज हैं, यानी कि आप 84 कह सकते हो। अगर अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पूरा यहाँ पर बात हो रहा है ना, तो 10,000 लोगों में से लगभग 8.7 लोगों पर नर्स हैं। और जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण चल रहा है, अगर मेडिकल सुविधा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला डेटा आप लोगों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग टोटल जो नर्सेज हैं वो 1.56 मिलियन के आसपास हैं। भारत में चिकित्सा कर्मचारियों में अगर आप देखोगे, यानी कि जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हैं उसमें अगर नर्सों का परसेंटेज निकालोगे तो आपका 47 के आसपास परसेंट आ जाते हैं। हर साल भारत में लगभग 322,827 नर्सें जो हैं वो ग्रेजुएट हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सारे डेटा नर्सों से संबंधित ध्यान रख सकते हो। आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष जो है नर्स दिवस भी मनाया जाता है, वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दो कैंपेन शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका वंदे भारत मिशन और दूसरा है आपका ऑपरेशन समुद्र। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस प्रकार से फैला, बहुत आनन फानन में लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो जहां थे वहां फंस गए, तो भारत के बाहर भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो उनको वापस अपने देश में लाने के लिए दो कैंपेन शुरू किया गया। एक है आपका वंदे भारत मिशन और एक है आपका समुद्र सेतु। दोनों के बारे में याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वंदे भारत मिशन के तहत में टोटल 15,000 लोगों को विदेशों में जो फंसे हुए थे उनको भारत लेकर आया गया। ये वंदे भारत जो कैंपेन है, ये मिशन है, ये आपका चला 7 मई से लेकर 13 मई तक। इसके अलावा समुद्र सेतु कैंपेन शुरू किया गया, समुद्री एरिया भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जहां पर कोस्टल एरिया है, उन देशों से वापस भारत लाने के लिए लोगों को समुद्र सेतु अभियान शुरू किया गया। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस लिए चलाया गया है इस कैंपेन को, किस उद्देश्य के साथ में चलाया गया है, इस तरह से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टायरीन गैस। आप लोगों तक ये खबर पहुँच ही गई होगी कि विशाखापट्टनम में जिस प्रकार से गैस लीक हुआ, जहरीली गैस लीक हुआ, और उस गैस की वजह से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इस गैस से प्रभावित हुए। तो हालांकि ये बोला जाने लगा कि भोपाल गैस त्रासदी का ये रिपीटेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी
इस तरह की लापरवाही बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा जाती है, वैसे ही देखा गया विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो जो गैस लीक हुआ और जिससे लोगों की मृत्यु हुई और जो लोग प्रभावित हुए, उस गैस का नाम है स्टायरीन गैस। तो सबसे पहले इस गैस का नाम आप लोग याद रखिएगा, और यह गैस कहां से लीक हुआ यह भी ध्यान रखिएगा। एलजी पॉलीमर कारखाना है, यानी प्रोडक्ट बनाती है। किस प्रकार से प्रोडक्ट हो गया, प्लास्टिक्स हो गए या फिर जो बॉटल्स जो होते हैं या फिर प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल होते हैं, जो आप एलजी के प्रोडक्ट में आप जितने भी प्लास्टिक देखते हो, जितने भी फाइबर्स देखते हो, उन सबको बनाने में स्टायरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें तो यह एक रासायनिक यौगिक है जिसे कि न्यूरोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। अगर इसके और अलग अलग नाम हम देखें तो इसे विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है, इसे इथाइल बेंजीन भी कहा जाता है, और फिनाइल बेंजीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके जितने भी केमिकल्स नेम है, जितने भी रासायनिक नेम है, इन सब का भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और जैसे कि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो उस समय होता था ना कि ये गैस रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तो इस तरह से इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार से कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता। और यह गैस जो है बहुत तेज़ी से हवा में फैल जाता है, और सांस जैसे ही अगर लोगों के संपर्क में यह गैस आ जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होता है, ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचने नहीं देता। उसके बाद अगर सही समय पर इसका इलाज ना मिल पाए या फिर सही जगह पर लोगों को ना पहुँचाया जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है, जिस प्रकार से विशाखापट्टनम में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इन सब थोड़ा बहुत चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से इस टावर को डेवलप किया गया है। ठीक है, ये टावर काम क्या करेगा, ये टावर एक प्रकार का सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अलग अलग टाइप के सैनिटाइजर आ रहे हैं, ऑफिस में जो वर्क करते हैं या फिर जो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में वर्क करते हैं उनके लिए अलग सैनिटाइजर को विकसित किया जा रहा है। तो डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा सैनिटाइजर विकसित किया गया है जो एक रूम में या फिर एक हॉल को अगर आप इसे इस टावर को रख दो तो उस एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। अगर आपके पास में 12x12 फुट के आकार का एक कमरा है तो इसको लगभग 10 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है। अगर 400 square feet का अगर आपके पास में कमरा है तो इसको वो 30 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है, यानी कि कीटाणु मुक्त कर सकता है यह टावर। ये इस टावर को अगर आप देखोगे तो ये टावर कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप इस टावर को अपने रूम में रख देते हो तो उस एरिया को ये सैनिटाइज कर सकता है जहाँ पर संक्रमण फैलने की स्थिति बहुत कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए और इसके साथ में रहकर जीने के लिए भारत सरकार के अलग अलग एजेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्री बहुत हद तक वर्क कर रही है। और उसी के अंतर्गत में जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में जो डीआरडीओ आती है उसने भी इस टावर को विकसित किया है। इस टावर का नाम याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। ठीक है, डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ को इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर आपका कहाँ, नई दिल्ली में है। इसका मोटो याद रखिएगा, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, बलस्य मूल्यम विज्ञानम। और एजेंसी यानी कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत में आती है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और रक्षा मंत्रालय के लिए अलग अलग रिसर्च, अलग अलग इक्विपमेंट पे काम, वेपन्स पे काम, ये सारा काम डीआरडीओ की तरफ से किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। ये आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाल ही में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री की तरफ से जीआई टैग दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कश्मीरी केसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कश्मीरी केसर को जो है प्राचीन संस्कृति में आप जब पढ़ोगे तो इसे बहुकम कहा जाता है। तो अगर प्रीलिम्स में इस तरह से पूछा जाता है कि प्राचीन संस्कृति में केसर को किस नाम से जाना जाता था तो ये बहुकम इसका आंसर होगा। कश्मीरी केसर जो है गहरा लाल कलर का होता है, उच्च सुगंध मुक्त होता है, कड़वा स्वाद वाला होता है। केसर की खेती एक विशेष प्रकार की मिट्टी में किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं ना जियोग्राफी में कि कश्मीर वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा करेवा मिट्टी पाया जाता है, तो ये केसर भी इसी मिट्टी में पाया जाता है, करेवा मिट्टी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कश्मीरी केसर जो है वो कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, तो उसका आंसर होगा करेवा मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नैम शिखर सम्मेलन के बारे में। ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। नैम का मतलब है यहाँ पर नॉन अलायंस मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन हाल ही में ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक वर्चुअल मीटिंग इसके मेंबर्स के बीच में ऑर्गेनाइज की गई और प्रेजेंट टाइम पर जो सिचुएशन है उस पर चर्चा किया गया। प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन का मामला ये ऐसा है कि टेररिज्म से रिलेटेड बातें हुई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें हुई और कोरोना वायरस संक्रमण से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारी जो है वो बातें हुई। वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैम के इस शिखर सम्मेलन में पहली बार हिस्सा लिया है इन 6 सालों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से।
ठीक है। और मेज़बानी यानी कि होस्ट किसकी तरफ से किया गया, तो अज़रबैजान की तरफ से इसका होस्ट किया गया। और इसमें लगभग 30 से अधिक जो राष्ट्र अध्यक्ष है या फिर जो इसके मेंबर है, इस नॉन अलायंस मूवमेंट के इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। नॉन अलायंस मूवमेंट के इस शिखर सम्मेलन यानी कि नॉन अलायंस, यहाँ पर अगर हम नैम के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करें यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में, तो इसका मतलब हिंदी में आप कह सकते हो गुट निरपेक्ष आंदोलन। पहली बैठक हुई थी 1961 में, हालांकि इसको इस्टेब्लिश आपका 1956 में ही किया गया था, लेकिन पहला बैठक इसका 1961 में हुआ था। संस्थापक देशों का नाम याद रखिए, संस्थापक इसके पांच देश थे, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोस थे, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस समय सुकर्णो थे वो थे, और घाना के उस समय के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा। इन पांच देशों ने मिलकर इस नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना की थी। किस उद्देश्य के साथ में की थी? आपस में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या फिर सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, उस क्षेत्र में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। जब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन यानी कि नैम का पहला जब सम्मेलन हुआ था, तो उसमें 25 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, और वर्तमान समय में टोटल इसके 120 सदस्य देश हैं, 17 जो हैं पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन भी शामिल हैं। तो इस तरह से आप लोग नैम से जुड़ा हुआ भी बेसिक जानकारी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सरस कलेक्शन। सरस कलेक्शन के बारे में यहाँ पर न्यूज़ ये है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो जैम है, जैम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि इस पोर्टल, एक पोर्टल है, इस पोर्टल पे ग्रामीण क्षेत्रों की जो वस्तुएं होती हैं, चाहे हस्तशिल्प हो गया या फिर खादी उद्योग वाला वस्तुएं हो गई, इस प्लेटफॉर्म पे उनको बेचा जाता है। तो इसीलिए सरस कलेक्शन का एक डैशबोर्ड जो है इस पोर्टल पे शुरू किया गया है। इस डैशबोर्ड पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो हस्तशिल्प वस्तुएं हो गई, ये सब सारी जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सारी वस्तुएं होंगी, इस पोर्टल पे बेचा जा सकता है, ताकि ग्रामीणों को जो है यहाँ पर बेहतर सुविधा दिया जा सके। यह डैशबोर्ड जो है शुरुआती दौर में कौन कौन से राज्यों के लिए शुरू किया गया है, इसमें आ जाता है आपका बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में शुरू किया जाता है। लगभग 13 राज्य अभी सरस कलेक्शन के तहत में आते हैं, तो ठीक है, इस पे थोड़ा सा बस प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद जो आज के इस एनालिसिस में हमारा लास्ट का टॉपिक है, वो लोक लेखा समिति के बारे में। हाल ही में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इनको संसद का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इनको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। लोक लेखा समिति के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, तो एक संसदीय समिति होती है, जो सरकार द्वारा जितने भी खर्च किए जाते हैं उस खर्चों का हिसाब रखना विपक्ष का भी काम होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बना रहे। तो इसीलिए लोक लेखा समिति जो है वो संसद की एक समिति होती है, जो भी सरकार खर्च करती है उस पर नज़र रखती है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, कौन से एक्ट के तहत में किया गया था वो भी ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन किया गया था लोक लेखा समिति का। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। 1967 इससे पहले जो लोक लेखा समिति का होता था वो सत्ताधारी पार्टी का होता था, यानी कि जिसकी सरकार उसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लेकिन 1960 के बाद विपक्षी दल होते हैं, उसी के कोई नेता इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो विपक्ष में अभी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का जो है आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के बारे में भी ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा आप किनको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लोक लेखा समिति के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, वो लोकसभा स्पीकर द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है, ठीक। तो ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी मैगजीन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर चले जाइएगा और मैगजीन परचेस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके छत्तीसगढ़ के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एक बात और मेरी ध्यान से सुनिएगा, टेलीग्राम चैनल जो है वो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आजकल
फेसबुक का जो हमारा पेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग वहाँ पहुँचाते रहते हैं, चाहे टेलीग्राम हो गया चाहे फेसबुक हो गया। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।